ठीक ना। देखते हैं आज पुनः एल्किल हैलाइडों अर्थात हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। कल हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर चुके हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं दूसरा, हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन किस प्रकार का है। तो यहां के लिए आप कार्बन की प्रकृति आप देखेंगे, कार्बन प्रकृति देखेंगे तो पहला कार्बन मिलेगा वन डिग्री कार्बन टाइप का, यानी प्राथमिक कार्बन। दूसरा प्रकार मिलेगा, दूसरी प्रकृति होगी टू डिग्री कार्बन की, अर्थात द्वितीयक कार्बन। इसी क्रम में आप तीसरा देखेंगे थ्री डिग्री कार्बन, यानी तृतीयक कार्बन। अगर ये चीज बच्चों समझ में आ जाती है तो ये टॉपिक आपका एकदम से आसान हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। ध्यान देते हैं, प्राथमिक कार्बन क्या होता है? तो ऐसा कोई कार्बन जिससे केवल और केवल एक ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला गई हो उसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन। ऐसा कोई कार्बन जिससे दो अन्य मुख्य कार्बन श्रृंखलाएं गई हो उसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन। ऐसा कोई कार्बन जिससे तीन अन्य कार्बन की मुख्य श्रृंखलाएं गई हो उसको कहेंगे तृतीयक कार्बन। तो आपका ये हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन। पुनः देखते हैं, प्राथमिक कार्बन में एक ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, द्वितीयक में किसी कार्बन से दो अन्य कार्बन की मुख्य श्रृंखलाएं आपको प्राप्त होंगी, तृतीयक कार्बन में किसी कार्बन से तीन अन्य मुख्य कार्बन श्रृंखलाएं आपको प्राप्त होंगी। तो इस तरह को क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री कार्बन कह सकते हैं। अब इसी से जुड़ेगा आपका हैलोजन। क्या जुड़ेगा? इन्हीं कार्बनों से जुड़ेगा आपका हैलोजन। पहली प्रायिकता क्या है? पहला है कि आपका जो हैलोजन है वन डिग्री कार्बन से जुड़ जाए, कुछ इस तरह से। दूसरी प्रायिकता ये है कि टू डिग्री कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ जाए। तीसरी प्रायिकता ये है कि थ्री डिग्री कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ जाए। यही प्रायिकताएं हो सकती हैं, वन डिग्री से जुड़ सकता है, टू डिग्री से जुड़ सकता है, थ्री डिग्री से जुड़ सकता है। फिर से देखते हैं, ये जो कार्बन है इस कार्बन से एक ही मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो ये हो जाएगा वन डिग्री कार्बन, और ये जो कार्बन है दो अन्य कार्बन की मुख्य श्रृंखलाएं हैं तो यहां पे हो जाएगा टू डिग्री कार्बन। अब ध्यान देंगे, इस कार्बन से तीन अन्य कार्बन श्रृंखलाई गई हैं तो ये हो जाएगा थ्री डिग्री कार्बन। अब कह रहा है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन, तो कार्बन से ही जुड़ा होगा क्या हैलोजन? हैलोजन यहां जोड़ दिए कार्बन से, यहां जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए, क्रमशः किससे किससे जुड़े हैं? वन डिग्री से, टू डिग्री से, थ्री डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो अब आपका निकल करके आएगा, अगर इस तरह का आपका यौगिक दिखता है हैलोजन जुड़ा हुआ, इसको कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या वन डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि वन डिग्री कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको और क्या कह सकते हैं? टू डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों कहें? क्योंकि टू डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। इसमें ध्यान देंगे, इसको क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड या थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों कहे थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक? क्योंकि ये थ्री डिग्री कार्बन अर्थात तृतीयक कार्बन से हैलोजन आपका जुड़ा हुआ है।
अगर परिभाषा अगर हम लगाना चाहें तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा, इनमें हैलोजन परमाणु, इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक या एक डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु वन डिग्री या प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड या टू डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से अर्थात टू डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। फिर पुनः तृतीयक एल्किल हैलाइड में ऐसा एल्किल हैलाइड या वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु थ्री डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से जुड़े होते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड या थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में हम ले सकते हैं इसमें एक कार्बन की चेन CH3X और लॉन्ग एक ही चेन लेते हैं CH3CH2X हो जाएगा इसमें लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, एक दो दो बॉन्ड बनाया है, दो कम है तो यहां दो हाइड्रोजन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड बनाया गया है, एक कम है एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि एक दो तीन पूरे बॉन्ड बराबर हैं। और यहाँ पे उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे ये कार्बन है ये हैलोजन है, दो अन्य कार्बन की चेन, एक कार्बन की चेन एक कार्बन परमाणु का इधर एक कार्बन परमाणु का इधर एच लगा दीजिए तो ये उदाहरण बन जाएगा। इसमें तीनों पे सी एच थ्री जोड़ दीजिए, एक सी एच थ्री एक सी एच थ्री एक सी एच थ्री यहाँ पे एक्स जोड़ दीजिए तो ये इसके एग्जाम्पल बन सकते। तो ये था आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक।